भाजपा ने राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी है। भाजपा विधायक दल की बैठक में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। इसके अलावा पार्टी ने राजस्थान में दो उप मुख्यमंत्री बनाने का भी ऐलान किया है, जिसमें दिया कुमारी और प्रेमचंद को भजन लाल शर्मा की कैबिनेट में उप मुख्यमंत्री का दर्जा दिया गया है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। ज्ञात रहे कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 199 में से 115 सीटें हासिल हुई थी। चुनाव नतीजों का ऐलान होने के बाद से ही वसुंधरा राजे समेत कई लोगों के नाम सीएम उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे थे, लेकिन कई विधायकों ने दावा किया था कि सीएम के तौर पर कोई चौंकाने वाला नाम ही सामने आ सकता है, जो सच भी हुआ। भाजपा ने राजस्थान में सीएम का नया चेहरा सामने लाकर सबको चौंकाने वाला काम किया है। विधायक दल की बैठक के साथ आम जन भी इस चेहरे को देखकर हैरान है। तो आइए आपको आज बताते हैं कि आखिरलाल भजन लाल शर्मा है कौन। दरअसल भजन लाल शर्मा संगानेर से चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने हैं। शर्मा बीजेपी संगठन का अहम चेहरा माने जाते हैं। वो पार्टी के संगठन मंत्री भी रहे हैं और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के करीबी भी हैं। भजन लाल शर्मा भरतपुर के रहने वाले हैं और इनकी उम्र लगभग 56 साल है। शर्मा के पास राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से राजनीति शास्त्र में एमए की डिग्री है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने 2022-23 में अपनी कुल आय का ब्यौरा 6,86,660 रुपए बताया था। वहीं उनकी पत्नी का नाम इस अवधि में बताई गई राशि 4,27,080 रुपए है। वहीं आपको बता दें कि भजन लाल शर्मा के खिलाफ एक आपराधिक मामला भी दर्ज है। ये मामला सरकारी कर्मचारी को अपनी ड्यूटी करने से बलपूर्वक रोकने से जुड़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि शर्मा ने संगानेर से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पुष्पेंद्र भारद्वाज को 48,086 वोटों से हराया है। उन्हें कुल 14,05,162 वोट मिले थे। वो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS के और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे हैं। बताया जाता है कि भजन लाल शर्मा बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं और राज्य में बीजेपी की जो चुनाव प्रबंधन टीम थी उनका भी ये हिस्सा रहे हैं। इन्होंने बीजेपी के पिछले 3-4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ भी काम किया है। बता दें कि संगानेर सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ये सीट जयपुर जिले में आती है। यहाँ से सीटिंग विधायक अशोक लाहोटी का टिकट काटकर पार्टी ने भजन लाल शर्मा को टिकट दिया था। इस टिकट पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही थी। वहीं अशोक लाहोटी को वसुंधरा राजे का समर्थक माना जाता है। लाहोटी का टिकट कटने से नाराज उनके समर्थकों ने बीजेपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी भी की थी। खैर, अब देखना ये होगा कि सीएम का राजस्थान में नया चेहरा भाजपा की उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है। वहीं हम अपने दर्शकों से भी जानना चाहते हैं कि सीएम के इस चेहरे को आप किस नजरिए से देखते हैं। तो हमें कमेंट जरूर करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें।